दुबई में जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर हैं तो आप सिर्फ 30 डेज में अपनी जॉब कैसे पा सकते हैं, कैसे मिल जाएगी, ये आज मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं फैज़ आलम, दुबई का जॉब सर्च एक्सपर्ट, और आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्लान दूंगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, दुबई में जॉब ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन क्रिएटिव फील्ड जैसे ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग के लिए ये एक अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है। हर कंपनी को डिज़ाइनर और फिर एडिटर्स चाहिए होते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ये समझना होगा कि दुबई एम्प्लॉयर किस तरीके के कैंडिडेट यहाँ पर अक्सर ढूंढते हैं। सही, तो क्योंकि दुबई में क्रिएटिव जॉब्स का स्कोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब मान के चलो मार्केटिंग कंपनीज हैं, मीडिया एजेंसीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, सबको ग्राफिक डिज़ाइनर्स और वीडियो एडिटर की ज़रूरत होती है। अब यानी कि यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो आपको दुबई में जॉब लेने के लिए ज़रूरी होती हैं। आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। एक सेकेंड रुकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा रोड क्रॉस कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अब बात करता हूँ उन स्किल्स की जो आपको दुबई में जॉब लेने के लिए ज़रूरी हैं। आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। सही है, अगर मैं एडोब की बात करूँ, डिज़ाइन टूल एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, और वीडियो एडिटिंग में बात करूँ एडोब प्रीमियम प्रो, आफ्टर, बहुत सारे आज के टाइम में तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सब आप सीखो। आपको काम दिखाने के लिए एक अच्छा ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना लो आप, जैसे बिनांस में आप बना सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आप क्लाइंट के साथ आसानी से बात करनी है तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन तो अच्छी होनी चाहिए, ये आपको समझनी होगी, क्योंकि दुबई के रिक्रूटर्स आपके पोर्टफोलियो को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो लिंक्डइन का हो, बिनांस का, उसको अच्छे से बनाइए। आपके पोर्टफोलियो प्रोफेशनली इम्प्रेसिव होना चाहिए। मेरी टिप ये है कि आप कुछ मिडिल ईस्टर्न ब्रांड को, जो मिडिल ईस्ट में ब्रांड है, उनके कुछ के लिए कुछ फ्री सैम्पल बना के रेडी करिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें और कहाँ करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको सिर्फ जॉब पोर्टल तक लिमिटेड नहीं रहना है, बल्कि डायरेक्टली आपको जो है वो कंपनीज को अप्रोच करना है। सही है, अब देखो लिंक्डइन सबसे बेहतर है। लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट करें, कीवर्ड बनाएं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर की दुबई या वीडियो एडिटर से रिलेटेड है। बिहांस हो गया, ड्रिबल, ये जो प्लेटफॉर्म आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंपनीज आपका काम यहीं देख सकती हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स, दुबई में बहुत इवेंट्स होते रहते हैं, इन इवेंट्स में जाएं या कॉन्टैक्ट करें आप। सही है, आपको डायरेक्ट कंपनी को भी अपना काम जो है आप अपने भेज सकते हैं, इससे आपका ज़्यादा चांसेस मिलते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो ऑनलाइन भी आपको कंपनीज जो है अपने करियर पेजेस पे भी डालते हैं, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक 30 दिन का एक सैम्पल प्लान बता रहा हूँ, इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब मिल जाएगी। तो day 1 to 5 अपना पोर्टफोलियो तैयार करें, 6 to 10 डेज में जो है लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें और दुबई के रिक्रूटर्स को कनेक्ट करें, फिर 11 to 20 डेज में जॉब पोर्टल्स पर जॉब अप्लाई करें, कंपनीज को डायरेक्ट पिच करें, और 21 और 30 में फॉलो अप करें और इंटरव्यूज़ के लिए तैयार रहें। ये स्टेप्स अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो आपको 30 डेज के अंदर रिजल्ट्स दिखेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रैटेजी पर वर्क किया जो जो मैंने आपको बताया, और कंसिस्टेंसी के साथ आप करेंगे तो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप सीरियस हैं ना दुबई जॉब पाने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, कोई भी डाउट होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, आपको जॉब के रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आई विल आंसर। ओके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।